कि 2023 में ही गोवर्धन पूजा क्यों? आखिर उससे पहले भगवान गोवर्धन का पूजा होता था कि नहीं होता था? कृष्ण भगवान का पूजा होता था कि नहीं होता था? ये लोग जब 2024 में चुनाव है तो अभी इन लोग को भगवान याद आते हैं। जो असली यादव है उसके नेता, हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, दूसरा कोई नेता नहीं है। देखिए कितना दम है, वो तो हवा निकल गया इन लोगों का। आज जब सम्राट चौधरी भाषण दे रहे थे तो 200 आदमी भी नहीं थे उस सभागार में। साव, बनिया, पटेल, नोनिया, ये सब जाति के लोगों को और भाजपा के कार्यकर्ता को बुला करके वो सभा स्थल पर बुलाया गया था कि यादव सभा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के इस्कॉन टेम्पल में हैं जहाँ श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से भव्य गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। इस पूजा का उद्घाटन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया और इस पूजा में तमाम मंत्री, विधायक, पॉलिटिशियन से लेकर के जो कारोबारी हैं और यादव समाज से जुड़े लोग हैं वो आए हैं। अभी हमारे साथ जो है मुकेश रोशन जी हैं, आरजेडी विधायक, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप यादव समाज को। देखिए आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर श्री कृष्ण परिषद के द्वारा जो आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी उपस्थित हुए और भारी संख्या में जो यादव समाज के जो बुद्धिजीवी लोग जो आगे बढ़ करके समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में, उन सभी लोगों को आज सम्मानित करने का मौका हम लोगों को भी मिला और बहुत खुशी का बात है कि आज राजीव जी के नेतृत्व में इतना अच्छा गुड्डू जी जो कार्यक्रम आयोजन किए, लालू जी को यहाँ आज काफ़ी देर लोगों को सुनने को मौका मिला। काफ़ी दिनों से लालू जी बीमार चल रहे थे लेकिन उसके बावजूद लालू जी ने आज भगवान कृष्ण का दर्शन भी किया ऊपर जा करके और गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे समाज में एकता, भाईचारा रखने का वो संदेश दिए हैं कि आप लोग सब लोग एकजुट रहिए, समाज का विकास के लिए आप लोग सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें। जी जी जी। आज बीजेपी की ओर से भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। बीजेपी के नेता नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कंस राज है, क्या कहेंगे आप? देखिए वो लोग फर्जी लोग हैं, वो लोग दिखावा करते हैं और सबसे बड़ा बात है कि आप सब लोग जानते हैं क्या कि 2023 में ही गोवर्धन पूजा क्यों? आखिर उससे पहले भगवान गोवर्धन का पूजा होता था कि नहीं होता था? कृष्ण भगवान का पूजा होता था कि नहीं होता था? ये लोग जब 2024 में चुनाव है तो अभी इन लोग को भगवान याद आते हैं। काम तो करते नहीं लोग, कभी भगवान के नाम पर कभी लोग वोट लेते हैं, कभी राम मंदिर के नाम पर लेते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं, कभी पुलवामा अटैक करा करके वोट लेते हैं। ये लोग फर्जी लोग हैं, ये लोग बस काम तो करते नहीं हैं, ये लोग बस दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, ये सब लोग गाय काटने वाले लोग हैं, सब लोग जानते हैं। ये आज भरे मन से लालू यादव जी ने, हम लोग के अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बोला है कि जिस तरीके से जो बीजेपी के मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो क्या काम है उनका सब लोग जानते हैं। ये नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी जैसे नेता कह रहे हैं कि यादव समाज ही यहाँ से जो है आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार को ख़त्म करेगा, उसी में दम है। देखिए कितना दम है, वो तो हवा निकल गया इन लोगों का। आज जब सम्राट चौधरी भाषण दे रहे थे तो 200 आदमी भी नहीं थे उस सभागार में, आप लोग भी देखे वहाँ कई टीवी चैनल पर चल रहा था, 200 भी लोग नहीं थे और उसमें साव, बनिया, पटेल, नोनिया, ये सब जाति के लोगों को और भाजपा के कार्यकर्ता को बुला करके वो सभा स्थल पर बुलाया गया था कि यादव सभा हो रहा है गोवर्धन पूजा के अवसर पर, लेकिन एक भी यादवों ने वहाँ जा करके उनको समर्थन करने का काम नहीं किया। जो असली यादव है उसके नेता, हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, दूसरा कोई नेता नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, उन्होंने तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को चुनौती दी कि हम बिहार में महाभारत के लिए तैयार हैं और जब चाहें महाभारत कर लें। देखिए हम असली बात तो ये है कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से ये लोग डर गए हैं और ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये लोग कुछ भी अजुल फजुल बातें करते रहते हैं। हम लोग के नेता का अभी उम्र ही कितना हुआ है, मात्र 34 साल, और 34 साल में जो देश में जो विकास का लकीर बिहार के जो तस्वीर बदलने का काम किए हैं,
वो पूरे देश देख रहा है कि एक दिन में 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का हमारे नेता ने काम किया। ये लोग कितना लोगों को नौकरी दिए, कितना लोगों को रोजगार दिए, ये लोग पूरा अभी जो चुनाव आएगा उसमें पूछेगा। ये लोग फर्जीवाड़ा लोग है, फर्जीगिरी करता है, ये लोग जुमलेबाज लोग है, ये लोग झूठ बोलता है, ये लोग काम का बात नहीं करता है, बस मन का बात करता है। ये थे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन, जिन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी की ओर से किया गया गोवर्धन पूजा फर्जी है और वहाँ दूसरी जातियों के लोगों से समारोह स्थल को भरा गया है। आखिर बिहार बीजेपी इस साल ही पहली बार क्यों गोवर्धन पूजा कर रही है, इसका कारण भी इन्होंने बताया कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यादवों को लुभाना चाहती है, लेकिन एक भी यादव उनकी सभा में मौजूद नहीं था। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।